दोस्तों, ये ज्योमेट्री की चौथी लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करेंगे और उससे कुछ जुड़े हुए इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि आनंद है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें आज बात करनी है ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, फिर उसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो कि ज्योमेट्री में हमें जिससे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसके रिजल्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलते रहा करेंगे। और लाइक भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्थो सेंटर का मतलब होता क्या है। जैसे हम लोगों ने लिख रखा ऑर्थो सेंटर, एंड ऑर्थो सेंटर को जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र, तो इसका डेफिनेशन होता है द पॉइंट वेयर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट आर कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। ऐसी बिंदु जहाँ पे किसी भी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। और ये ट्राइंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि जिसके सारे एंगल्स 0 से 90 के बीच में हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, जो कि कहाँ पर किया, बी सी पर किया। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। उसी तरीके से हमने बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी के ऊपर, तो बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। सेम उसी तरीके से सी एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर, तो सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमने यहाँ पे तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब ये तीनों परपेंडिकुलर, तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे भी मिलेंगे, तो ये ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, और जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जहाँ पर भी ऐसी बिंदु जहाँ पर एल्टीट्यूड किसी भी ट्राइंगल के मीट करेंगे उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऑर्थो सेंटर उसमें जो हम लोगों ने निकाला था वो क्या निकाला था, हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर निकाला था एक्यूट एंगल ट्राइंगल का निकाला था। अब हम ऑर्थो सेंटर निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। तो देखिए, तीनों ट्राइंगल में आपको ऑर्थो सेंटर होंगे अलग अलग जगह पे होंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्थो सेंटर जो था वो ट्राइंगल के इनसाइड में था, अंदर में था। अब देखिए, यहाँ पर कहाँ पर होता है, तो देखिए ए बी सी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए बी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, 90 डिग्री है यहाँ पर। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर बी एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री है। तो देखिए, जब हम लोग सी से जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ए बी के ऊपर, तो वो कहाँ पर ड्रॉ होगा आपका, बी पॉइंट पर ड्रॉ होगा, ठीक है ना। सी से जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो बी पॉइंट पे, ए बी पे बी पॉइंट पे ड्रॉ होगा। उसी तरह जब ए से ड्रॉ करेंगे तो बी सी साइड पे, बी पॉइंट पे एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। लेकिन जब हम बी से ड्रॉ करने जाएंगे ए सी के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर समाओ यहाँ पर सपोज कीजिए कि ड्रॉ होगा। और ये तीनों परपेंडिकुलर कहाँ पे मिल रहे हैं, बी पॉइंट में मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑर्थो सेंटर हमारा कौन से पॉइंट पे हो गया, बी पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर होगा। मतलब क्या है, हमारा वर्टेक्स पे ऑर्थो सेंटर है। राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टेक्स पे क्या होता है आपका, ऑर्थो सेंटर होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल के जब भी हम बात करेंगे, तो जहां पे आपका 90 डिग्री है, जिस वर्टेक्स पे आपका 90 डिग्री है, वहीं पे ऑर्थो सेंटर हमारा ड्रॉ होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का देखते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया एक्यूट का, देख लिया राइट का, देख लिया। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बनता है। ये देखिए, नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अगर हम सी से ए बी पर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें परपेंडिकुलर, तो नहीं ड्रॉ हो पाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सी से कहाँ हम लोग यहाँ पर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। एक काम करते हैं, हम लोग ए बी को एक्सटेंड कर देते हैं। तो जब ए बी को एक्सटेंड करते हैं नीचे की तरफ, ये हमने ए बी को एक्सटेंड कर दिया नीचे की तरफ, ये कुछ इस तरह हो गया। तब हम सी से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी के ऊपर, तो समहाउ यहाँ पर बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है।
अब हम जब बी से ए सी के ऊपर ड्रॉ करने करते हैं, तो बी से ए सी के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये समाओ यहां पर बन गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब जब ए से हम बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो यहां से बी से लेके यहाँ सी तक कहीं पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोगों ने एक्सटेंड किया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ पर एक्सटेंड हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, अब ये देखिए तीनों परपेंडिकुलर जो कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा, कहीं पे भी मिल नहीं रहा, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करते, इसको भी यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया, ये समाओ यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। उसी तरह इस परपेंडिकुलर को भी हम लोगों ने एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर दिया तो ये यहाँ पर आ गया, और इसको भी एक्सटेंड कर लिया तो ये भी एक्सटेंड होके यहाँ पर आ गया। तो हमारा ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बन रहा है, हमारा ऑर्थो सेंटर यहाँ पर बन रहा है, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आप देखिएगा ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बन रहा है, हमारा बाहर में बन रहा है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पे बन रहा था, अंदर में बन रहा था। राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टेक्स में बन रहा था। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कहाँ पे बनेगा, बाहर में बनेगा, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होते हैं वो हमेशा कहाँ पे बनते हैं, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल बनते हैं, ट्राइंगल के बाहर बनते हैं, त्रिभुज के बाहर बनते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तीनों ट्राइंगल में, तीन तरीके के ट्राइंगल थे, और तीनों ट्राइंगल में अलग अलग हमारे ऑर्थो सेंटर बन रहे थे, अलग अलग जगह पे ऑर्थो सेंटर बन रहे थे। अब आगे देखते हैं हम लोग, कुछ इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या क्या इसके रिजल्ट हैं। तो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपका वो क्या है, देखिए यहाँ पर एक हमने एक ट्राइंगल ले रखा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले रखा है ए बी सी, ए बी सी एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले रखा है। उसी तरह ए ई एक हमने इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बी सी के ऊपर, और बी से एफ एक ड्रॉ कर लिया ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर, और सी से डी में एक ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर डी के ऊपर। अब ये तीनों मीट कर रहे हैं, आपको ओ पे मिल रहे हैं, ओ हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन क्वाड्रिलेटरल ओ डी एफ या ए डी ओ एफ, तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल आ गया ए डी ओ एफ, ये क्या बन रहा है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल में एंगल डी जो है आपका ये कितना आपका 90 डिग्री है, और एंगल एफ भी है हमारा 90 डिग्री है, यही चीज हमने लिखा है यहाँ पर, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इस साइड वाला आपका 90 डिग्री, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम सारे एंगल्स को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने एंगल डी, एंगल डी ओ एफ, एंगल एफ और एंगल डी ए एफ इज इक्वल टू हो जाता है 360 डिग्री होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सबका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, हमने लिख लिया। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, एंगल डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ, ठीक है, डी ओ एफ हो गया, एंगल डी ए एफ ये हो गया, एंगल डी डी ए एफ, ठीक है, प्लस 360 डिग्री। अब एंगल डी भी आपका 90 डिग्री था, एंगल एफ भी हमारा कितना था 90 डिग्री था, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 180 हो गया। अब ये इस साइड में आएंगे, राइट साइड में आ जाएंगे, तो -180 डिग्री हो गया यहाँ पर, 360 -180 डिग्री, और इनको घटाने पे आ गया हमारा 180 डिग्री। तो एंगल डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल डी ए एफ, ठीक है ना, एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस सामने वाला एंगल डी ए एफ, क्लियर है। बट एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये एंगल जो है डी ओ एफ है, ये एंगल बी ओ सी के क्या होगा, बराबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी ओ सी हमने यहाँ पे ले लिया, बी ओ सी लिख लिया उस जगह पे, डी ओ एफ की जगह पे लिख लिया बी ओ सी, तो बी ओ सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस डी एफ, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 180 माइनस ठीक उसके ऊपर वाला हो जाएगा, यही चीज हमने लिखा है यहाँ पे डी ए एफ, तो ठीक उसके क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ए ओ सी, सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं एंगल ए ओ सी जो होगा ऊपर वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस ये वाला एंगल ए बी सी हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली हमारा ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस ऊपर वाला हो जाएगा एंगल सी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे क्वेश्चन सवाल जो होते हैं एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों रिजल्ट है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्थो सेंटर में।
ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कैसे है। आपको ये तीनों रिजल्ट बस याद रखने हैं, बाकी का ऊपर का उतना प्रोसीजर याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये तीन रिजल्ट याद रखने हैं, एग्जामिनेशन में आपको इसी में से सवाल पूछा जाएगा। चलिए एक और रिजल्ट ले लेते हैं, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। देखिए दूसरा रिजल्ट क्या है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट में दूसरा क्या है कि सम ऑफ, कहते हैं कि सम ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ दैट ट्राइंगल। उसी ट्राइंगल का जब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब ये सम ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल को हम लोग नीचे लेते आते हैं, तो सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल अपॉन में आ गया आपका सम ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, इन दोनों का क्या हो गया, रेशियो हो गया, जो कि रेशियो कितने से बड़ा होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है यूनिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनिटी और 1 में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज होते हैं। तो इस चीज को आपको बस ध्यान रखना है कि सम ऑफ द साइड, साइड्स का जब हम लोग सम लेते हैं किसी ट्राइंगल का और उसके एल्टीट्यूड का जब सम लेते हैं, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, या फिर यूनिटी से बड़ा होता है। तो हमने एक फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया है, तो देखिए सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स हमने ले लिया है ए बी बी सी ए सी, ठीक है, और नीचे में सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो एल्टीट्यूड्स में आ गया आपका ए डी बी और सी एफ, ये किससे बड़े होंगे, ये 1 से हमेशा बड़े होंगे, इस बात को बस ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यही दोनों रिजल्ट था, इम्पोर्टेंट रिजल्ट था जो कि ऑर्थो सेंटर में था, और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इससे क्वेश्चंस कभी कभी देखने को हमें मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा, सबसे पहले तो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन था ऑर्थो सेंटर का कि द पॉइंट वेयर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट आर कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। तो इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, एल्टीट्यूड वाला होता है, क्योंकि कभी कभी इस डेफिनेशन से फिल इन द ब्लैंक्स भी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है, तो इस डेफिनेशन को भी याद रखिएगा कि जहां पर किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड मीट करेंगे ऐसी बिंदु पर, उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक रिजल्ट देखा, वो क्या देखा आपका, नीचे वाला जो एंगल आपका बन रहा था, यहाँ वाला जो एंगल बन रहा था, इसी फिगर में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ वाला जो एंगल बन रहा था वो 180 माइनस ऊपर वाला एंगल था, ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ वाला जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 180 माइनस ऊपर वाला एंगल बन रहा था, उसी तरीके से यहाँ वाला जो एंगल था वो बन रहा था आपको ऊपर वाले से माइनस हो रहा था 180 माइनस ऊपर वाला एंगल। तो बस ये वाला एक रिजल्ट था, और ये लास्ट हमने जो ये सामने हमने देखा है, सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द सेम ट्राइंगल। तो बस यही दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नाउ, और मेरे चैनल का जैसे कि नाम है आपको वैदिक गणित, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और लाइक भी करें। शेयर इसलिए करें कि जो भी बच्चे आपके दोस्त अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इस लेक्चर का वो फायदा उठा पाए। तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी, फेसबुक की मैंने यहाँ पे आईडी लिख रखी है, आप इस पर जाके आप सर्च करके आप मेरे मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि मैं फेसबुक पे आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस जो कि अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपके बैंकिंग के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में वो करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, बस आप उसको नोट डाउन करके रख लेना या सेव करके रख लेना, तो जो कि आपको आगे चल के किसी भी परीक्षा में उसी में से सवाल रहेंगे, उससे बाहर से सवाल नहीं रहेंगे। और भी बहुत कुछ मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ, जैसे कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उस पर अपडेट होता रहता है। तो प्लीज आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और ऐसे यूट्यूब पे आप तो मुझे सब्सक्राइब कर ही दीजिए तो अच्छा रहेगा आपका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।